So hello everyone, this is Anshu and without wasting lots of time come to the main point. Basically Anshu भाई Air Force English पे स्कोर नहीं जा रहा है। Air Force का एग्जाम 4 नवंबर से स्टार्ट होना है। अंशु भाई ये बता दे इंग्लिश पे कैसे स्कोर करूँ भाई, स्कोर नहीं जा रहा इंग्लिश पे। हम परीक्षा पे टेस्ट लगा रहे हैं और कहीं ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं भाई, और सब सेक्शन में स्कोर आ जा रहा है। फिजिक्स में स्कोर आ रहा है, उसके बाद मैथ्स में स्कोर आ रहा है, उसके बाद अगर बोलूँ राघव पे स्कोर आ रहा है, बट इंग्लिश पे भाई 15 नंबर से ज़्यादा ही नहीं जा रहे। क्या करें, कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चलो डिस्कस करता हूँ भाई, ठीक है। और एक एक्सपीरियंस बेसिस पे एक आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। अब आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं भागना, थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है ना, जो मनाया जैसे कि एक बुक उठाई इंग्लिश की, ये पढ़ने लगे अभी एग्जाम के दिन, पहले पता लगा पैरामाउंट से पढ़ रहे थे, अभी लूसेंट लिया लूसेंट से पढ़ने लगे, और जब पता लगा 10 दिन बचे हुए तब तक किरण या दूसरी कोई बुक लेके वो रटने लगे, और लगा भाई अब इससे तो फंसा ही देंगे, अपना पूरा कंप्लीट है, बिल्कुल बिल्कुल फाड़ देंगे पेपर। ऐसा कुछ ब्रदर, ऐसा कुछ ना होगा। कॉपी पेन लेके बैठना, कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, कंप्लीटली नोट करना, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करता है, सो ऑल द बेस्ट। देखो पहले मैंने थोड़ा मेहनत किया भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा ऐसे इधर स्क्रीन पे एडिटिंग वगैरह करता लगभग 2 घंटे लग जाते, थोड़ा सा एडिटिंग करूँगा वो हाफ एन आवर में कर पाऊँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉपी पे अपने सारे टॉपिक्स लिखे हैं, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और वगैरह वगैरह। मेरा हैंड राइटिंग वैसे भी नहीं सही है, बचपन से ही नहीं सही, बहुत ट्राई किया बट नहीं हुआ। चलो चलते हैं टॉपिक पे। अंशु भाई बोलोगे ठीक है कि बताओ स्कोर कैसे करें। स्कोर की बात आते हैं, पेपर इंग्लिश का कितना होता है, 20 मिनट, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट। आगे आती है बात भाई, देखो इंग्लिश का पेपर जिससे आता है ना वो 10 मिनट में कर देता है, 10 मिनट में। मैंने काउंटिंग के जब इसे मतलब जब सेकेंड इंटेक पे सेकेंड टाइम एग्जाम दिया था एयरफोर्स का, ठीक है, उसमें मेरे 46 नंबर थे और उसमें पता है भाई मैंने 9 मिनट में पेपर ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मुझे आता है पेपर इंग्लिश का, जही रूल्स आ रहे हैं किसमें व्हाट लगेगा, ठीक है, डाइवर्स का वेरियस होगा या कुछ भी मीनिंग आ रहा है, लाभ का ये होगा, लाभ का दैट प्रीपोजिशन लगेगा, नॉन के बाद टू लगेगा, पैसिव वाइज में तो लगेगा, डेफिनेटली पता है ना। मैथ का सवाल थोड़ी जो सॉल्व करना है अंत में पहुंचे तो गलत कर दिया, ऐसा तो इंग्लिश होता नहीं। चलो टॉप कॉपी पेन उठाओ, पहला नंबर एक डायरेक्ट से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इंग्लिश में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन 200% आता ही है। नरेशन से क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक्स जा सकते हैं नरेशन में। देखो नरेशन में वैसे 5 टाइप के बेसिकली बनते हैं, बट मैं बताऊंगा वर्ब में, यहाँ तक मैं पास्ट इंडेफिनिट वाला मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट वाला आता है। आगे बढ़ते हैं, नरेशन से क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वाइज से सिंपल सा पैसिव वाइज आ सकता है या फिर हु वाला भी आ सकता है जो भाई उम करके बनाया जाता है, बल्कि पैसिव वाइज को स्पेसिफाई नहीं बोल सकता, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट मतलब कि पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन तीनों टेंसेस से ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं 50% के क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं साइन और अब आती है वोकैब्स। अंशु भाई हम वोकैब्स नहीं याद करेंगे भाई, हमने डर लगता है वोकैब्स कहाँ से याद करें, कितना याद करें भाई। मैं कहता हूँ अगर दम है तो पूरी लूसेंट याद करो, इसी से फंस जाएगा पक्का, गारंटी के साथ कहता हूँ। बट भाई ऐसा करना कि इसे साइड में भी रख देना, नहीं फंसेगा मैं कहता हूँ, लूसेंट की कोई गारंटी नहीं लेता। वोकैब्स की कोई अच्छा से अच्छा टीचर उसे कोई भी माने पूछोगे तो बता पाएगा क्या, मैं बोल दूँ बरगद की जड़ की मीनिंग बताओ, बता पाएगा। सो उसी बेसिस पे लूसेंट वोकैब्स पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, अभी भी दिल्ली 10 10 10 10 साइनोनिम 10 एंटोनिम, क्योंकि वोकैब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन साइनोनिम से, एक क्वेश्चन एंटोनिम से, एक क्वेश्चन इडियम से, एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से, और उसके बाद रुकना साइनोनिम एंटोनिम इडियम और स्पेलिंग, और स्पेलिंग टेस्ट के बाद आता है अपना स्पेलिंग टेस्ट। क्या होता है स्पेलिंग टेस्ट में, या तो 4 मीनिंग आएंगे उसमें एक गलत दिया होगा, या 3 सही होंगी एक गलत पूछ लिया होगा, या पूछ लिया होगा कि चारों मीनिंग एक ही टाइप की दे दी होंगी, जैसे लाइफ की लाभ की स्पेलिंग दे दी, इंग्लिश ग्रामर की स्पेलिंग दे दी, तो पूछेगा कि ग्रामर इनमें से कौन सी राइट है, ऐसा पूछ सकते हैं। एक स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आता है, मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चन तो इस वोकैब्स के आते हैं भाई। और वोकैब्स नहीं पढ़ोगे 14 नंबर आ गए, पैसेज में 1-2 गलत किए, 10 से नीचे आ गए, फेल हो गए। फेल तो होना नहीं ना, वोकैब्स पढ़ना पड़ेगा भाई, वोकैब्स पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट ही ना, फिर आपके पास जो भी बुक है उसी से पढ़ो, दूसरा कुछ उठाने का नीड नहीं है, दूसरे से पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं फिलर, अब आता है फिलर मोस्ट। देखो अब यहाँ पे फिलर से कौन कौन से टॉपिक्स आता है, जो फिलर का एक क्वेश्चन आता है 1 से 2 क्वेश्चन कौन से होते हैं, कौन से टॉपिक से होता है, कंजक्शन। कंजक्शन में सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपने पढ़ा होगा, सबऑर्डिनेट में जिसमें वाई बट वेयर हाउ हूज वगैरह बिकॉज दैट, ये सारे कंजक्शन होते हैं, मोस्टली प्रोबेबल चांस होते हैं कि मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पे। कंजक्शन टॉपिक को उड़ा देना, 1 से 2 क्वेश्चन वहां से पक्काएंगे। इधर में भी कंजक्शन टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल से, क्वेश्चन आएगा आर्टिकल से। आर्टिकल में ये भी आ सकता है कि नो आर्टिकल, मतलब जहां कोई आर्टिकल नहीं फिल किया जाता। अब आर्टिकल टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बट छोटे छोटे से यूजेस सीख लो, बाकी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आता। यहाँ पे ये भी मतलब सीखना भाई कि किसके पहले नहीं लगाया जाता है आर्टिकल, ठीक है ना, ए एन द का यूज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज,
नेक्स्ट होता है आपका आर्टिकल का प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में आप सभी के क्या ख्याल है अंशु भाई? तो देखो प्रीपोजिशन का कोई भी टेंशन ना लो, फिक्स प्रीपोजिशन याद कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाओगे तो भी अच्छी बात है, बिकॉज अगर याद करोगे तो पक्का फंसा दोगे। मैं कहता हूँ अगर आपके पास लूसेंट का बुक है, ठीक है लूसेंट का बुक है, तो क्या करना अपने टेलीग्राम चैनल, अगर नहीं भी है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका ई बुक मतलब इसका पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, ऑनलाइन एजुकेशन करके अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पे करूंगा क्या, इसका बुक बना के फॉरवर्ड कर दूंगा। करना क्या पड़ेगा आपको भाई, वहां पे जाना इसे डाउनलोड करना, मतलब कि जाकर डाउनलोड करना नहीं है तो वो कैप्स जितने भी फिक्स प्रीपोजिशन याद कर पाओ, एक दिन में 50-50 कर पाओ क्या? 50 बहुत होते हैं। ए बी स्टार्टिंग वाले वर्ड्स के याद करो, क्योंकि मैंने मोस्ट प्रोबेबली देखा ये भाई मतलब ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आगे वाले चैप्टर से ही आपका वो कैप्स उठा के रख देते हैं, ठीक है ना, आगे वाले चैप्टर से लाइक ए बी सी डी या फिर पी क्यू आर एस टी, मतलब पी नहीं पी और टी, यस ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल चांस ये वो वाली टेक्निक्स हैं जो मैंने फॉलोअर्स की हैं, जो देखी हैं कि हाँ इनसे क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश का जब पेपर वहाँ पे देते हो 9 मिनट में पेपर हो गया, बैठे बैठे क्या करोगे, 10 मिनट का टाइम मिलता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल प्रीपोजिशन। अब दो क्वेश्चन इरर से आते हैं, दो क्वेश्चन इरर से कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, देखो इरर में नाउन प्रोनाउन या फिर आपका एडजेक्टिव टॉपिक या कंजक्शन। मैं इरर में कहूंगा कि कंजक्शन सेंटेंस को जितना स्ट्रांग करोगे, जितना सेंटेंस को स्ट्रांग करोगे उतना ही बेस्ट होगा, मतलब कि सेंटेंस टॉपिक जितना भी मतलब कि अपना उसका बेस जितना भी स्ट्रांग होगा उसी से क्वेश्चन फंस जाएगा, आपको आउट ऑफ जाना ही नहीं पड़ेगा। तो सेंटेंस टॉपिक को स्टार्ट करना लूसेंट पे, पहले नंबर पे ही आपका दिया हुआ है सेंटेंस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं भाई एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से क्या आ सकता है, एडजेक्टिव से देखो मैं बताता हूँ, एडजेक्टिव में वैसे डिग्री भी आता है तो डिग्री से भी अलग क्वेश्चन बन के आ सकता है। डिग्री या रिमोट टू से एक क्वेश्चन आएगा। रिमोट टू बहुत ईजी होता है, एक में अगर सिंपल पे होता है तो इज लगा के सो लगा देना होता है, टू लगा के मतलब सो को मतलब डबल टू को सो में चेंज कर, चलो रूल बाद में डिस्कस करेंगे हटाओ, ठीक है, मतलब डिग्री और रिमोट टू। अब यहाँ पे एक बार बता रहा हूँ एडजेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन आता है, टाल टालर टालिस्ट, मतलब डिग्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेट वेटर फर्स्ट का जैसे क्या होता है आपका कंपेरेटिव फॉर्म सुपरलेटिव फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं ना, लेट लेटर लेटेस्ट, ठीक है, लेट लेटर लेटेस्ट या फार फर्दर फर्देस्ट, ठीक है, फार फर्दर फर्दर सॉरी एफ ए आर और एक यू आर। आगे बढ़ते हैं पैसे से चार क्वेश्चन डैम श्योर। अब ये किसी के बस के नहीं है, यहाँ किसी का मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ भाई, हो सकता है किसी वाले में स्टोरी आ जाए, कल जैसे मैंने एक इंग्लिश वाला टेस्ट कराया तो उसमें एक स्टोरी आ गई तो स्टोरी वाला इजी हो जाता है, बट दूसरे जो होते हैं वो हार्ड हो जाता है, लाइक मतलब अब सिविलाइजेशन पे बात कर ली तो वर्ड्स अगर वहाँ पे हार्ड मिल गए तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, फिर भी आप चार में से दो से तीन क्वेश्चन तो उड़ा ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं पैसेज में कोई नहीं, पैसेज का मतलब कोई टेंशन ना लो, पैसेज से जो क्वेश्चन फंसना होगा फंस जाएगा। आगे बढ़ते हैं टाइम एंड टेंस, टेंस से क्वेश्चन जरूर पढ़ना, कौन से टॉपिक्स में चार से पांच बताता हूँ, एक टॉपिक तो वो वाला पढ़ना जहाँ पे एक मतलब पहला प्रेजेंट पे होता है दूसरा फ्यूचर पे होता है, पहला फ्यूचर पे दूसरा पहला प्रेजेंट पे दूसरा फ्यूचर पे, ये वाला पढ़ना दूसरा पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना, पास्ट परफेक्ट पढ़ना और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ना, बस चार पढ़ना भाई, इनसे ज्यादा करके बनता है। आगे बढ़ते हैं डिग्री या रिमोट टू से एक क्वेश्चन आ जाता है, इतना इंग्लिश का सिलेबस था मैंने 20 क्वेश्चन अगर आपने नोट किया तो 20 टॉपिक्स 20 क्वेश्चन बता दिए। अब ये हो गया, मैं फिर से परीक्षा ऐप के बारे में बताऊंगा, 20 क्वेश्चंस मतलब 20 टेस्ट भाई मैंने फिर से ऐड करा दिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, 40 टेस्ट तो वहां पे थे ही एक्स के और 40 टेस्ट वाई के, लेकिन एग्जाम रिलेवेंट है भाई। और अभी मैंने एक पर उस पे अमेजोन पे जाके एक टेस्ट देखा, पर मतलब कि 25 टेस्ट दिखा रहा था ऑनलाइन केवल एक लैंग्वेज पे, जिसका प्राइस था ₹200 टेस्ट का, घर आएगा ₹40 वो लेगा, मतलब 250 के टेस्ट कितने 25 टेस्ट होंगे, कितना प्राइस 250, जबकि परीक्षा पे भाई अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालोगे, ऑनलाइन D50 50% का डिस्काउंट मिलेगा, 40 टेस्ट मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ भाई 140 टेस्ट हैं, कैसे 20 टेस्ट तो अभी नए एग्जाम के लिए ऐड कराएं, जो आपके एग्जाम वाई ग्रुप वालों के लिए भाई खुशखबरी है, उनका तो मैंने ही भेजा था बना के कि सर ऐसे 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 पेपर पैटर्न आएगा ऐसा करूँ, एक्स ग्रुप वालों के लिए तो सेम ही कंटेंट है, 40 टेस्ट देखो मैं बताता हूँ कैसे भाई कितने टेस्ट हैं, 40 एक्स ग्रुप के लिए टेस्ट है एक्स, अब जैसे एक बार आप टेस्ट भाई करोगे उसके कुछ दिनों बाद एक्सप्लोर वाला ऑप्शन जाके एक्टिव कर लेना, ₹110 में भाई 140 टेस्ट पूरे पूरे गिना देता हूँ, ठीक है, और उसके फायदे बहुत सारे हैं ऑनलाइन टेस्ट लगाने, पहले नंबर ऑनलाइन और एग्जाम पैटर्न पे लगाने को मिल रहा है इतनी कम प्राइस में, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। दूसरे कैडेट्स को भी मतलब कि रिकमेंड करो, बाकी मैं अपने 5 टेस्ट आपको बना के जल्दी प्रोवाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, उसका भी टेंशन कोई मत लेना, लेकिन जितने कैडेट्स को आप कराओगे उससे मेरा फायदा होगा। मेरा फायदा क्या होगा, देखो रिकमेंड सब करते हैं, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेस्ट कंटेंट है, मैं खुद अभी चल के दिखाऊंगा कि कैसे बाई करना है, बट भाई उसके फायदे बहुत सारे हैं,
लाइक आप एग्जाम से पहले ही जान पाओगे कि आपकी रैंक कितना आ रहा है, आप इंग्लिश सेक्शन में कितना स्कोर कर पा रहे हो, आप फिजिक्स सेक्शन में कितना स्कोर कर पा रहे हो, आप मैथ सेक्शन में कितना स्कोर कर पा रहे हो, आप रागा सेक्शन में कितना स्कोर कर पा रहे हो, आप कहाँ पे वीक पड़े हो, उन पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जितना ज्यादा कर पाओ, बिकॉज वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, दूसरे के लिए नहीं। आप अगर 140 रुपए पहले खर्च करोगे, फिर कुछ दिनों बाद एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में उसमें कितने एक्सप्लोर कर बाई करोगे ना भाई, कितने टेस्ट मिलेंगे देखो बताता हूँ, 40 टेस्ट एक्स ग्रुप के मिलेंगे, जब एक्स वाई ग्रुप वाले भी जो है अलग से, उसमें 40 टेस्ट आपको एक्स ग्रुप वाले फिर से मिल जाएंगे, कितने हुए 80, नेवी के भी टेस्ट आपको मिल जाएंगे 20 टेस्ट, आगे नेवी का भी एग्जाम आएगा 20 टेस्ट वो मिले कितने हुए 120, आगे जो अभी नए टेस्ट ऐड हुए 20 वो मिल जाएंगे, और एक्स ग्रुप के तो 120 हुए, और जो एक्स वाई ग्रुप के फिर से 20 टेस्ट ऐड हुए वो भी मिल जाएंगे, टोटल कितने 140 टेस्ट होते हैं, कितने कितने रुपए में 310 रुपए में, मतलब मैं पूरे नहीं कहता हूं 140 ही कहता हूं लगाओ, लेकिन 310 रुपए मतलब एक टेस्ट का प्राइस लगभग 2-2.5 रुपए पड़ता है। अब इतने नहीं खर्चा कर सकते, मुझे नहीं पता एग्जाम आपका है आपको निकालना है, बट मैं केवल रिकमेंड कर सकता हूं, सजेस्ट कर सकता हूं, बता सकता हूं, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं भाई। चलो मैं चलता हूं आपको फोन के स्क्रीन पे और बताता हूं कैसे आपको बाई करना, डेफिनेटली आप सभी बाई करो और दूसरों को भी रिकमेंड करो कि भाई करे, उससे उनका फायदा होगा, दूसरे ऑफलाइन से ऑनलाइन आ जाओ, बिकॉज अब टाइम कंज्यूम जो टाइम मैनेज करना होता है टाइम पे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 10 मिनट में मैंने टेस्ट लगा लिया, बिकॉज मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस की थी, मुझे पता होता है जब कंप्यूटर के सामने बैठोगे ना तो वो तो कीपैड नहीं पता होता, कीबोर्ड नहीं पता होता कि स्पेस कहां से बैक स्पेस करना होता है, कहां पे एक अच्छा ज्यादा लिख गया नाम की स्पेलिंग तो बैक नहीं, तो अभी से फोन पे जान पाओगे कि भाई कैसा आता है पेपर। चलो फोन के स्क्रीन पे बताता हूं कैसे बाई करना और सभी बाई करो, कोई दिक्कत है तो बताओ कमेंट में, हां अपना कूपन कोड जरूर ऑनलाइन D50 यूज करो, ठीक है ना। चलो चलते हैं की एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखी है, अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट कर लेना होता है, उसके बाद यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे टेस्ट सेक्शन पे आ जाना होता है, टेस्ट सेक्शन पे जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे थोड़ा सा चलता हूँ, देखो एक्सप्लोर वाला मैं कहूँगा एक्सप्लोर, अगर आपने आज से पहले कभी भी बाई किया परीक्षा तो एक्सप्लोर पे क्लिक करना और अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना, यहाँ पे 3 मंथ का ऑप्शन सेलेक्ट करना, कंटिन्यू एंड पे पे जाना और यहाँ पे आएगा आपको पे एडवांस, यहाँ पे ऐसे जाना होता है और यहाँ पे अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, क्या डाल देना ऑनलाइन D50, जैसे ही डाला देखो सामने जस्ट अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इधर देखो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पे अप्लाई कर देना है, अप्लाई करोगे 380-390 रुपए की छूट, टेस्ट सीरीज का प्राइस कितना हो गया 110 रुपए, कंटिन्यू एंड पे जाके कर देना है पे, और जितने भी तुम्हारे पास फोन पे गूगल पे UPI ATM पेटीएम जो भी ऑप्शन हो वहां पे जाके कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आए नंबर कमेंट कर देना मैं कॉल करके बात कर लूंगा। उसका देखो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मैंने खुद बाई किए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के मैंने बाई किए थे, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के बाई किए थे, अभी आज एक्सप्लोर वाला मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने सारे के सारे अलग अलग से ही बाई किए थे एग्जाम, मतलब मुझे जब लगता गया वैसा करता गया। अब देखो जैसे ये नंबर वाले ये स्पेशली वाई ग्रुप के लिए कराए हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए 40 टेस्ट हैं और उसके बाद नंबर एक्स वाई के लिए भी यहाँ पे 40 टेस्ट हैं। देखो जब एक्सप्लोर वाला बाई करोगे ना तो ये NDA वाले भी 10 टेस्ट एक्टिव हो जाएंगे, एयरफोर्स एक्स वाई के भी एक्टिव हो जाएंगे, ये जितने भी है ना सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे जब आप एक्सप्लोर वाला करोगे। इन्हें कैसे बाई करना है, जैसे कि आपको ये 20 मतलब टेस्ट 10x20 बाई करने हैं तो भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो शो का ऑप्शन है, किसका ऑप्शन है शो का ऑप्शन है, शो पे क्लिक करना होता है और देखो नीचे अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आता है, अनलॉक कोर्स पे आओ और यहाँ पे मतलब पे एडवांस पे कूपन कोड मांग रहा है तो ऑनलाइन D50 डाल देना है, क्या डाल देना ऑनलाइन D50 डालोगे, ऊपर देखो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है, जैसे ही अप्लाई करोगे कूपन कोड अप्लाइड हो चुका है, यू हैव सेव्ड 139 रुपीज और यहाँ पे टेस्ट सीरीज का प्राइस 140 रुपए, कंटिन्यू एंड पे पे जाके कर देना है, क्लिक कंटिन्यू एंड पे के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, UPI में आपका फोन पे गूगल पे भीम आ जाएगा, पेटीएम बैलेंस के साथ में कर सकते हो, डेबिट कार्ड के साथ में कर सकते हो, नेट बैंकिंग के साथ में कर सकते हो और 140 रुपए आई थिंक आपके लिए कुछ नहीं होते हैं, बाकी ये सारे के सारे टेस्ट आज एक्टिव हो जाएंगे, आज से शुरू होते हैं ये टेस्ट और आज ही मतलब ये आप कंटेंट बनाया जा रहा है अपलोड किया जाएगा, मैंने लिख के भी भेज दिया कि वाई ग्रुप के लिए तो ऐसा एक्स ग्रुप के लिए ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे इन टेस्टों पे अब आज कितने टेस्ट एक्टिव हो जाएंगे अंशु भाई, तो 10 टेस्ट आज एक्टिव हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे टेस्ट 20 अक्टूबर तक एक्टिव हो जाएंगे, मीन जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आया एडमिट कार्ड आते ही 1-2 टेस्ट जो बचेंगे वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट लगाने का अलग ही मजा है, यहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स आप अपनी रैंक जान पाओगे, बहुत सारे फायदे हैं, कोई दिक्कत है तो नंबर कमेंट कर देना मैं कॉल पे बात कर दूंगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट, टेस्ट लगाओ और अपना स्कोर मुझे जरूर बताओ भाई, अंशु सिंह के नाम से अपना जो चैट ग्रुप है वहाँ पे मुझे अपना स्कोर जरूर बताओ, बाकी थैंक यू एंड जय हिंद।